ये तो समाजवादी पार्टी अपने गिरेवान में जा करके देखते हैं कि जिस पार्टी को वोट कटवा कह रही है, तो वोट लेने के लिए तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बड़ी अच्छी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की जहन और समाजवादी पार्टी कभी भी छठी पार्टी को नहीं देखती। जो आज के 15 साल पहले समाजवादी पार्टी का मतदाता हुआ करता था, आज वो जाग करके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ जा रहा है। समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही है और पीड़ा होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि 27% OBC का आरक्षण है। सिपाही की भर्ती होगी तो समाजवादी के लोग होंगे, दरोगा की भर्ती होगी तो समाजवादी के लोग होंगे, कोई भी भर्ती होगी तो समाजवादी के लोग होंगे। आखिर ये पाल, प्रजापति, राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, चौहान, निषाद, चौरसिया, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये जितने OBC, SC के लोग हैं कहाँ जाएंगे? सामान्य वर्ग के जो गरीब परिवार के लोग हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी? इस पे अखिलेश यादव जी को बयान देने में शर्म आती है, डर लगता है कि समाज जाग जाएगा, वो जान जाएगा तो मेरी खटिया खड़ी कर देगा। समाजवादी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को समाप्त करने का ठेका। देखिए, अभी मोदी सरकार और योगी सरकार पहल कर रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस 17 जातियों को फुटबॉल समझ लिया था। जब सपा की सरकार आती थी तो सपा की सरकार कहती थी कि हम केंद्र में भेज दिए हैं, बहुजन की सरकार आती थी तो मंगवा लेती थी उस फाइल को, फिर सपा की सरकार आती थी फिर ही भेज देते थे, फिर बसपा की सरकार आती थी वो मंगा लेते थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इसका बीच का रास्ता निकाला। सरकार ने ये कहा है कि खेदी खेदा बंद होना चाहिए, OBC का जो 17 OBC समाज है जिसको SC में शामिल करने का बात कहा जा रहा है, इस पे पहल किया जाएगा। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि जो सामाजिक तैयार की गई है हम उस पे भी पहल करेंगे। 17 जातियों को जो SC में शामिल करने का प्रावधान है वो बहुत लंबा है, लेकिन 17 जातियों को हिस्सा दिलाने के लिए वो OBC आरक्षण का डिवाइडेशन करते हुए पिछड़ा अतिपिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा में करेंगे। जिसके जितनी क्राइटेरिया होगी, 11% सर्वाधिक पिछड़ा है, 11% सर्वाधिक पिछड़ा को दिया जाएगा, उसमें पिछड़ा और अतिपिछड़ा नहीं आएगा। कहीं ना कहीं इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। सरकार को पहल करना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, क्योंकि आरक्षण की जो क्राइटेरिया है जब उसको फुलफिल करने की बात आती है तो सरकार जिसकी सरकार है उन्हीं के लोग उसको पूरा कर देते हैं, और जो OBC, SC समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, इनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है। इसलिए आरक्षण का डिवाइडेशन हो और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर बात। देखिए, वो तो गांव में ही दिख रहा है, जैसे मैं जिस गांव में खड़ा हूँ विकास कितना, मैं भी सुबह से अम्बेडकर में टहल रहा हूँ, विकास कितना हुआ है किसी से छिपा नहीं है। कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में एक भी गड्ढा नहीं है, हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये भी कहा गया था, सरकार ने कहा था कि सब लोग खुश हैं, लेकिन यहाँ जितने लोग हैं उनके नौजवानों से क्या खुश हो सकते हैं, नाखुश कहाँ बटी हम। तो कुल मिला जुला करके सरकार अपना आ रही है, सदन चल रहा है, सदन में सीसा लेकर के ओम प्रकाश राजभर खड़े हैं कि हमारे समाज की सबसे प्रथम मांग ये है कि अनुसूचित जनजाति में राजभर को शामिल करके 7.5% आरक्षण उत्तर प्रदेश में दिया जाए, ताकि हमारे समाज के बच्चे भी नौकरियों में सहभागी हो सके, वो भी आगे बढ़ सके। हम लोग इस पे लगे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी सदन में खड़ा होकर के सरकार के विकास का आईना दिखाएंगे कि ये झूठ मूठ का बाजा बजाना बंद करिए और क्षेत्र में जाकर के देखिए कि 7-8 सालों में क्या विकास हुआ है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूरे मुस्तैदी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मुस्तैदी के साथ
चुनाव मैदान में उतरी है, उतरेगी भी। चुनाव का आचार संहिता लगते ही हम पूरे एकदम चुनावी मोड में हो जाएंगे। हम हर टाउन एरिया में जाकर के संगठन का निर्माण और कार्यक्रम चलाएंगे। कोई उथल पुथल नहीं है, कोई उथल पुथल नहीं है। हर पार्टी में होता है कि जब व्यक्ति के आंखों पर स्वार्थ का चश्मा पहना दिया जाता है या पहन लेता है तो उसको हर पार्टी बुरी लगने लगती है। तो जो लोग स्वार्थ का चश्मा पहन लिए हैं, जिनको समाज से नहीं मतलब है, जिनको समाज के रोजगार से नहीं मतलब है, समाज की पीड़ा जिनको नहीं दिखती है, वो अवसर पाने के लिए अवसरवाद का चश्मा पहन लिए हैं, तो उनको समाज अब तिरस्कृत करने लगा है। और ऐसे लोग न रहें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ही अच्छा है। वो न रहें तो अच्छा है, वो जहाँ जाना चाहते वहाँ चले जाएं। समाज जवाब देने के लिए तैयार है कि जिस समाज को कोई नहीं जानता था उस समाज को लोग जगा दिए। और ऐसे लोग जब लेने की बारी आई, वो शंकर भगवान वाली कहानी हो गई कि शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया, सोने का टुकड़ा दिया एक लोगों को दे कि ये पा जाएगा तो अमीर हो जाएगा। तो क्या किया कि जब सोने का टुकड़ा सामने पड़ा तो आंखें बंद कर लिया। तो उसे हम क्या कर सकते, जिसको जाना है वो चला गया। ये पूरा समाज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ है और साथ रहेगा भी। हम लोग पूरी मुस्तैदी से इनकी सेवा में लगे हैं।